Hello children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hai chapter Can You Install Love? English Second Language Book, Gujarat Board, Grade 12 se. Ye jo hamara chapter hai, isme ye bataya gaya hai ki kis tarike se hamara jo dil hota hai, uske andar bahut sari aur alag alag cheeze function kar rahi hoti hai. Ab hamare man mein achhai bhi hoti hai, buraiyan bhi hoti hai. Kuch hame baatein बहुत अच्छी लगती है, कुछ हमें बातें बहुत बुरी लगती है. अब जो हमारे दिल के अंदर अगर हम प्यार भर दें तो हमारी बॉडी में क्या बदलाव आएगा, क्या हमारे मन में जो विचार है उनमें बदलाव आएगा, उस चीज को बताया गया है. लेकिन जो बताने का तरीका है वो उन्होंने एक मानो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने कस्टमर को लव नाम की जो ऐप है उसको इंस्टॉल करवा रहा है और ये हो रहा है एक तरह का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या जिस तरह से भी करवा रहे हो, मेन ये है कि इसको इंस्टॉल कराया जा रहा है. तो आपको इनडायरेक्टली ये भी समझना होगा कि ये जो लव की बात हो रही है, जो भी इसमें स्टेप्स करे जा रहे हैं, वो आपके अपने दिल को भी उसी रिलेशन में आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारे हार्ट में अगर लव हो तो क्या होता है. अभी यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है इसको हम CSR शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं. तो जो हमारा CSR है वो कहता है कि क्या आप लव इंस्टॉल कर सकते हैं. तो कस्टमर कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा. अब CSR कहता है कि सबसे पहले आपको अपना हार्ट ओपन करना होगा. क्या आपको हार्ट मिल गया मैम? ये जो CSR जिस कस्टमर से बात कर रहा है वो लेडी है एक, तो हमारा जो कस्टमर है वो एक फीमेल है. अब कस्टमर कहती है हाँ का हार्ट तो मिल गया, लेकिन उसमें इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो क्या सही रहेगा ये जो प्रोग्राम से अगर चलते रहे और मैं आपका ये जो लव ऐप है इसको इंस्टॉल कर लूं? CSR कहते हैं कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं मैम? तो कस्टमर कहती है देखती हूँ फिर बताती हूँ. तो उन्होंने कहा इसमें मेरे पास pasthurt.exe है, lowesteem.exe है, grudge.exe है और resentment.com है जो इस वक्त चल रहे हैं. अब pasthurt.exe ये क्या हुआ? मतलब कि जैसे आपको पहले कभी पास्ट में आपका जो बीता हुआ कल है उसमें आपको कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ आपको जो है किसी ने दुख पहुंचाया हो, चोट पहुंचाई हो, तो उससे एक तरह से आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव है जो आपको दुख देता है. लो एस्टीम वाली जो है उसका मतलब यह है कि आपको सामने वाले के प्रति जो है कम रिस्पेक्ट है, कम इज्जत है. ग्रज का मतलब हुआ आपके अंदर द्वेष की भावना है, आपके अंदर बिटरनेस है, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं किसी के को लेकर कड़वाहट है. और resentment को जो exe है उसका मतलब है कि आप जो है सामने वाले को या आपके मन के अंदर ऐसी भावना है जो बहुत ज्यादा चीजों को नापसंद करती है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. CSR कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, लव जो है जब आप इंस्टॉल करेंगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली pasthurt.exe को इरेज कर देगा आपके जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से. वो रहेगा परमानेंट मेमोरी में, पर उसके रहने से बाकी और प्रोग्राम्स पे कोई फर्क नहीं आएगा. फिर ये जो लव है ये lowesteem.exe जो है उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब उसके ऊपर ही हो जाएगा, जिसमें ये जो है लो एस्टीम को हाई एस्टीम डॉट exe में बना देगा. अगर आप कंप्लीटली बंद कर देती है, टर्न ऑफ कर देती है grudge exe को और resentment.com को, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये लव को सही तरीके से इंस्टॉल होने में आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो क्या आप ये जो grudge.exe है या resentment.com है इसको टर्न ऑफ कर सकती है, मतलब आप इसको बंद कर सकती है? कहने का मतलब यह है अगर आपके मन में अच्छी भावनाएं नहीं होंगी, दूसरों के प्रति आपके मन में अच्छी
विचार नहीं होंगे तो आपका दिल प्यार भरा कैसे होगा। यही चीज उन्होंने टेक्निकली बता समझाने की कोशिश की है। तो कस्टमर कहती है, मुझे पता नहीं इसको बंद कैसे करते हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इसको बंद कैसे करना है। तो CSR कहती है, हाँ जरूर बता सकती हूँ, मेरा बहुत ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपको बताऊं कि मैं CSR कहती है कि कैसे इसको बंद करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाइए और वहां से ये जो forgiveness.exe है इसको कॉल करिए। तब तक कॉल करते रहिए जब तक crush.exe जो है या resentment.com जो है ये पूरी तरीके से हट नहीं जाते। कस्टमर कहते हैं, मैंने कर दिया, अब लव जो है मेरे इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि ऐसे ही होता है। तो CSR कहता है, हाँ ऐसे ही होता है, आपको एक मैसेज आएगा जो कहेगा कि अब आपको जो है इसको रीइंस्टॉल करना होगा ताकि आपकी जो हार्ट की लाइफ है वो चलती रहे, इसके लिए आपको इसको रीइंस्टॉल करना होगा। आपने क्या वो मैसेज देखा? तो कस्टमर कहती है, हाँ मैंने देखा, क्या ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया? अब CSR कहते हैं, हाँ पर आपको जो है इसका सिर्फ जो बेस प्रोग्राम है उसको जो है देखना होगा, क्योंकि आपके पास यही एक बेस प्रोग्राम है। अगर आपको अपने इस ऐप को और अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको और जो हार्ट्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन बना के रखना होगा ताकि आप जो है अपने और इस चीजों को अपग्रेड कर सके। तभी कस्टमर कहती है, अरे मेरे में तो एक एरर मैसेज आ गया, मैं क्या करूं? तो CSR कहते हैं, मैसेज क्या कह रहे हैं? तो कस्टमर कहते हैं कि ये कुछ एरर दिखा रहा है 412 प्रोग्राम का, कि ये जो अंदर के कंपोनेंट्स है उस पे ये नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? तो CSR कहते हैं, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि ये जो लव प्रोग्राम है ये सिर्फ जो बाहर वाले लोग हैं, बाहर वाले जो दिल है उनके ऊपर ही चलेगा, पर अभी आपके क्या कहते हैं खुद का जो हार्ट है उस पर ये नहीं चल पाएगा। ये उन कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में से है। अगर हम इसे नॉन टेक्निकली टर्म में कहें तो पहले तुम्हें अपनी मशीन से खुद प्यार करना होगा, फिर तुम दूसरों की मशीन से कर पाओगे। तो कस्टमर कहती है, अब मैं क्या करूं? तो CSR कहते हैं, क्या आपको डायरेक्टरी मिली जिसका नाम था सेल्फ एक्सेप्टेंस? तो कस्टमर कहते हैं, हाँ ये तो है। तो CSR कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब आप इस पे बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं। फिर कस्टमर उनको धन्यवाद देती है। CSR कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अब आप जो है कुछ फाइल्स हैं उन पर क्लिक करें और फिर उनको कॉपी करके माई हार्ट डायरेक्टरी में डाल दें, जैसे forgiveself.doc, selfesteem.txt, realizeworth.txt एंड goodness.doc। अब ये जो सिस्टम है ये ओवरराइट कर देगा अगर कोई भी उसको फाइल खराब मिलेगी, और फिर जितने भी खराब प्रोग्राम है उनको सही करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ आपको डिलीट करना होगा selfcritic.exe सारी डायरेक्टरी से, और अपना जो रिसाइकल बिन है उसे खाली करना होगा जब आपको ये पूरी तरह से श्योर हो जाए कि आपका ये जो डिफॉल्ट प्रोग्राम्स या फॉल्टी प्रोग्राम्स थे ये सब खत्म हो चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे। तो कस्टमर कहती है, हाँ मुझे समझ में आ गया, अब मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल सही फाइल से भर रहा है। smile.mpg ये जो है मेरे को उस टाइम पे मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है और वो बताता है कि warmth.com, peace.exe और contentment.com जो है वो अपने आप कॉपी हो रहे हैं इस हार्ट में। अब CSR कहते हैं, तो अब आपका लव जो है वो इंस्टॉल हो गया है और रन कर रहा है, अब यहाँ से आगे आप खुद हैंडल कर पाएंगी। एक चीज और बताना चाहूंगा जाने से पहले। तो कस्टमर कहते हैं, क्या? CSR कहते हैं कि लव जो है एक फ्रीवेयर है, मतलब कि उसको कोई ये नहीं है कि कोई कुछ खरीदना पड़ेगा या कुछ है, फ्रीली अवेलेबल है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उसको आप देते रहे और बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स को जो है लेते रहे जब भी आप किसी से मिलते हैं।
आप साथ ही साथ और लोगों से इसको शेयर करें और साथ ही साथ उनसे जो है कुछ नए और साफ मॉड्यूल्स वापस ले लीजिएगा। तो कस्टमर कहती है मैं जरूर करूंगी और उनको जो है उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देती है। तो एक तरह से ये जो बताया गया है चैप्टर उसमें यही है कि जो भी हमारी चीजें हैं हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं जब तक वो खत्म नहीं होगी तो हम सामने वाले को प्यार की नजर से देख भी नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में दूसरों को लेकर कड़वाहट होगी तो ये जो लव है ये हमारे अंदर कभी अच्छे से पनप नहीं पाएगा। आपको चैप्टर समझ में आया? अच्छा लगा? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसान एजुकेशन। बाय।